वही छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर में मॉनसून की बारिश के साथ ही सर्पदंश के मामले बढ़ने लगे हैं। सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में सर्पदंश के मामले दर्ज किए गए हैं। दरअसल बस्तर वनों से घिरा हुआ इलाका है, ऐसे में जहरीले सांप गर्माहट की वजह से अपना बसेरा घरों में बना लेते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2024 के बीते 6 महीनों में पूरे बस्तर संभाग में 10 लोगों की सर्पदंश से मौत हुई। बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में 453 सर्पदंश के मामले सामने आए हैं। इनमें से 443 का इलाज समय पर संभव हुआ, लेकिन 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मेगौज के डॉक्टर जॉन मसीह ने यह भी बताया कि यदि सर्पदंश से पीड़ित मरीज समय पर अस्पताल पहुंच जाते हैं तो मरीजों को एंटी स्नेक वेमन इंजेक्शन देने के बाद वे ठीक हो जाते हैं। वही बारिश के समय लोग खेतों में काम करते हैं और बाहर बरामदे में आकर सोने की आदत रहती है, जिससे अक्सर ग्रामीण इलाकों में सर्पदंश के मामले ज्यादा सामने आते हैं। जगदलपुर से संवाददाता विजय पचौरी की रिपोर्ट। ऐसे हमारे पास इन दिनों बारिश के समय में यूजुअली सर्पदंश के मरीज भर्ती होते हैं और हमने देखा है कि यहाँ पर अगर वो टाइमली आ जाते हैं तो हम उन्हें एंटी स्नेक विनम दे के ठीक कर लेते हैं। और ये इसलिए होता है कि लोग बारिश के समय खेतों में जाते हैं और बाहर आंधे में सोते हैं तो सर्प आके उन्हें काट लेता है ग्रामीणों को, तो उन्हें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। निश्चित तौर से हम देख जा रहे हैं कि यहाँ पर कोबरा बाइट, करेट बाइट के केसेस ज़्यादा देखते हैं और ऐसे समय में अगर मरीज को काटने वाली जगह में अगर स्वेलिंग आ गई या आँखों का पलके बंद होना शुरू हुआ तो निश्चित है ये पॉइजनस स्नेक बाइट के साइन होते हैं। तो ऐसे एक समय में तुरंत हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है और उन्हें हॉस्पिटल में एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल हैं, तो उन्हें अगर हम त्वरित दिया जाए तो वो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं। जैसे कि बस्तर संभाग में 118 केसेस देखे गए हैं, इसमें से 115 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तभी भी हमारे यहाँ चार मरीज भर्ती हैं, वो सभी सारे मरीज का दवाइयाँ एंटी स्नेक वेनम चल रहा है और वो काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं।